नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। बीजेपी की नई लिस्ट आ गई है। क्या गांधी परिवार मुक्त उत्तर प्रदेश बना देंगे पीएम मोदी? राहुल प्रियंका अभी भी कंफ्यूज हैं। अमेठी के बाद रायबरेली भी क्या बीजेपी जीतने वाली है? आज इसके बारे में भी बात होगी। फिर बात होगी बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को क्यों मिला टिकट, असल कहानी क्या है? मैनपुरी में योगी ने ऐसा गर्दा उड़ाया कि अखिलेश के चेहरे का रंग उड़ गया क्या? इसके बाद बात होगी पाकिस्तान की यही दुआ, मोदी हारे राहुल बने पीएम, लेकिन क्यों? पीएम मोदी ने कांग्रेस को वो लिखकर देने के लिए कह दिया कि उनसे हो ना पाएगा, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। फिर बात होगी कि कैसे ममता बनर्जी और केजरीवाल के करीबियों ने ही दोनों के बड़े राज खोल दिए। ममता बनर्जी को पहले से पता था क्या शिक्षक भर्ती घोटाले के बारे में? बाबा साहेब की फोटो लगाने वाले केजरीवाल ने दलितों की सैलरी रोकी क्या? आज इसके बारे में भी बात होगी। लेकिन पाठशाला में पहले रोज की तरह दिनभर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। लोकसभा चुनावों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का डीप फेक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि नोएडा के रहने वाले श्याम किशोर गुप्ता ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सीएम योगी का डीप फेक वीडियो बनाया और 1 मई को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने एक्शन लेते हुए आरोपी श्याम गुप्ता को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बरेली में हिंसा भड़काने के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर का एक और वीडियो सामने आया है। मौलाना तौकीर ने मुसलमानों से किसी भी पार्टी को वोट न देने की अपील की और वोटिंग के दौरान नोटा का बटन दबाने के लिए कहा। मौलाना तौकीर ने कहा कि बरेली के हालात देश भर से अलग हैं। यहां बीजेपी और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार आरएसएस के हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट से नॉमिनेशन भर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो करते हुए नॉमिनेशन करने के पहुंचने का फैसला किया तो उनके रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पर्चा भरने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने जीत का दावा किया। संबलपुर सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी। तो ये हो गया दिनभर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें बताऊंगा कि बीजेपी की नई लिस्ट आई है। क्या गांधी परिवार मुक्त यूपी बना देंगे पीएम मोदी? राहुल प्रियंका कंफ्यूज हैं। अमेठी के बाद क्या रायबरेली भी बीजेपी जीत जाएगी? बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट क्यों मिला, असल कहानी क्या है? जरा अब इस पर एक चैप्टर। अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस का कंफ्यूजन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। इधर कांग्रेस का कंफ्यूजन अभी भी चले जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। उधर बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया। बीजेपी ने यूपी की 2 हॉट सीट्स पर अपने पत्ते खोल दिए और सारा सस्पेंस खत्म कर दिया। भाई अमेठी पे स्मृति ईरानी लड़ रही है, ये तो सबको पता ही था। लेकिन बीजेपी ने गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में और बृजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया बीजेपी की नई लिस्ट में। कैसरगंज सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया और बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिया गया। रायबरेली सीट पर बीजेपी ने नया प्रयोग नहीं किया। पिछली बार जिसे टिकट दिया था उन्हीं दिनेश प्रताप सिंह को दोबारा मैदान में उतारा गया है रायबरेली। ये दोनों ही वो सीटें हैं जिन पर कई दिनों से चर्चा चल रही थी और कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी वेट एंड वॉच का फैसला किया हुआ। फिर नामांकन से एक दिन पहले 17वीं लिस्ट में दोनों सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन कांग्रेस रायबरेली और अमेठी, जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही है, उस पर अभी तक, जब तक आपको खबर बता रहा हूं, अभी तक कैंडिडेट के नाम का ऐलान तक नहीं कर पाई है। यह इन लोगों का हाल है। रायबरेली और कैसरगंज पर उम्मीदवार उतारने के साथ ही यूपी में बीजेपी ने सारी सीटों पर टिकट बांट दी। बीजेपी यूपी में 80 में से 75 सीटों पर लड़ रही है और 5 सीट उसने सहयोगियों के लिए छोड़े हैं। रायबरेली में बीजेपी ने जिन दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है वो रायबरेली में गांधी परिवार के करीबी रह चुके हैं, लेकिन 2018 में वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उन्हें 2019 में सोनिया गांधी के सामने लोकसभा का टिकट दिया। 2019 का चुनाव दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली में बड़ी मजबूती से लड़ा। दिनेश प्रताप की उम्मीदवारी से सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन तक घट गया था।
3.5 लाख वोट से जीतने वाली सोनिया गांधी 2019 में मात्र 1.5 लाख वोट से जीत पाए। अब 1.5 लाख कोई मात्र नहीं है, लेकिन जो आदमी 3.5 लाख 4 लाख वोट के मार्जिन से जीतता हो वो 1.5 लाख वोट से जीते तो उसको मात्र कहना पड़ता है। सोनिया गांधी के खिलाफ दमखम से चुनाव लड़ने वाले दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने पिछले 5 साल में बहुत पावरफुल भी किया। जैसे 2022 में दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने MLC बनाया, फिर उन्हें योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। टिकट मिलने के बाद दिनेश प्रताप सिंह भावुक हो गए, कहा कि मर जाऊंगा लेकिन पार्टी ने जो विश्वास जताया है उसे खोने नहीं दूंगा। एक बार दिनेश प्रताप सिंह को सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि रायबरेली में कांग्रेस की मुश्किल कैसे बढ़ गई है और अमेठी और रायबरेली में इस वक्त कांग्रेस कर क्या रही है। मेरे लिए गर्व और गौरव का क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिनेश प्रताप सिंह पर इस बार इस रूप में विश्वास किया है, इन परिस्थितियों में विश्वास किया है। मैं भरोसा दिलाता हूं नेतृत्व को कि मर जाऊंगा लेकिन इस विश्वास को कभी खोने नहीं दूंगा। एक समय रायबरेली कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन यूपी में मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी के आने के बाद कांग्रेस के लिए वैसी स्थितियां नहीं रह गई। कहां जा रहा है, स्थिति यह है कि रायबरेली लोकसभा सीट भले ही कांग्रेस के पास है, लेकिन रायबरेली की सभी 6 विधानसभा सीटों पर एक भी कांग्रेसी विधायक नहीं है। सारी की सारी सीटें कांग्रेस के खाते से जा चुकी हैं। विधानसभा की सीटें देखिए, रायबरेली की जो लोकसभा सीट है उसमें 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बचरावा की सीट समाजवादी पार्टी के पास है, हरचंदपुर की सीट समाजवादी पार्टी के पास है, सरेनी विधानसभा समाजवादी पार्टी ने जीत ली, ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे जीते थे लेकिन अब वो बीजेपी के पाले में चले गए हैं, तो टेक्निकली एक तरीके से वो बीजेपी के पास हो गई। रायबरेली सदर बीजेपी के पास है और सलोन बीजेपी के पास है, यानी 6 विधानसभाओं में से 2 बीजेपी के पास, 3 समाजवादी के पास और 1 जो समाजवादी पार्टी का था वो बीजेपी के पास, तो मोटे तौर पर 3-3 का मामला। लेकिन कांग्रेस के पास एक भी विधानसभा नहीं है और इसलिए कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी तक कह रहे हैं कि जो लोग डर गए वो राज्यसभा चले गए। सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से कहां लड़ी? अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का रायबरेली लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीटों में प्रदर्शन भी देखें तो 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, 1 सीट पर चौथे नंबर पर थी और पूरी रायबरेली की लोकसभा में वोट शेयर के मामले में वो तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस को रायबरेली लोकसभा में जो विधानसभाएं आती हैं उसमें मात्र 13% वोट मिला था विधानसभा चुनाव के बाद। ऐसा भी नहीं है कि रायबरेली में कांग्रेस कभी हारी नहीं है। 1977 के चुनाव में खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई थी। 1996 और 1998 के चुनाव में लगातार 2 बार बीजेपी रायबरेली जीत चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि रायबरेली अगर बीजेपी इस बार जीत जाए तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य होना चाहिए। परिस्थितियां क्या बनती दिखी हैं, क्या इतिहास है, वो आपको बता दिया। लेकिन रायबरेली में कांग्रेस का वोट शेयर कैसे लगातार कम हुआ है आपको यह भी देखना चाहिए, और बीजेपी का वोट शेयर कैसे बढ़ा है। अगर मैं आपको यह आंकड़ा दिखाऊंगा तो क्यों यह टफ फाइट कांग्रेस के लिए कही जा रही है आपको समझ में आएगा। जो रायबरेली की सीट है यहां पर अगर आप देखेंगे वोट शेयर, वोट प्रतिशत, यह क्या कहता है कांग्रेस के लिए, पहले देखिए कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2009 में 72% वोट रायबरेली में कांग्रेस को जाता था। नरेंद्र मोदी का चेहरा आया 2014 में, यह घटकर 64% हो गया, 64%, 8% का ड्रॉप। और 2019 में रायबरेली में कांग्रेस का वोट शेयर और घटकर 56% पर आ गया, यानी 2009 से 2019 के बीच में कांग्रेस का -16% वोट शेयर, यानी 16% वोट शेयर गिर गया। अब कंपेयर करते हैं बीजेपी के साथ क्या हुआ है रायबरेली की सीट पर। रायबरेली में बीजेपी के 2009 में कितने वोट आते थे पता है आपको? मात्र 4% वोट शेयर था बीजेपी का 2009 में। 2014 में नरेंद्र मोदी का चेहरा आया तो यह 4% रॉकेट बनकर आगे चला गया और 21% पे पहुंच गया, सीधा 17% का जंप। और फिर 2019 में यह बढ़कर 38% पे पहुंच गया, यानी फिर 17% का जंप। और बीजेपी का वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो +34% है बॉस पिछले 10 साल में,
बीजेपी का रायबरेली में वोट शेयर 10 साल में 34% बढ़ा है, कांग्रेस का 16% गिरा है और बीजेपी दो बार से 17% का जंप मार रही है। अगर इस बार भी मार दिया 17% का जंप तो यह बढ़कर हो जाएगा 55%, और 55% होने का मतलब है कि कांग्रेस का किला रायबरेली में गिर जाएगा। हालांकि ये होगा या नहीं ये तो अभी पता करना पता चलना बाकी है। यहां ये ध्यान रखना चाहिए कि 2019 के चुनाव में बीएसपी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन इस बार बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है। बीएसपी ने इस बार ठाकुर प्रसाद यादव को टिकट दिया है। ठाकुर प्रसाद यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं तो उन्हें ओबीसी और बीएसपी के कोर वोटर यानी दलित वोट भी मिल सकता है। ठाकुर प्रसाद यादव समुदाय से आते हैं इसलिए वो समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर रायबरेली का जातिगत समीकरण देखें तो वहां पर 34% दलित मतदाता, 23% ओबीसी है, जिसमें 7% यादव हैं, जो कि कुल मिलाकर रायबरेली सीट की 57% वोट होते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि रायबरेली की सीट पर बीएसपी को 7% से 20% तक वोट मिलता रहा है, यानी बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। यहां बीएसपी की एंट्री अलग हो रही है। रायबरेली में सोनिया गांधी लड़ नहीं रही हैं, कौन लड़ेगा यह पता चल नहीं रहा है। ऐसे में रायबरेली की जमीन भी कांग्रेस के लिए डोल रही है भाई। रायबरेली सीट पर इस बार कांग्रेस के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला मामला, क्योंकि अगर आप देखें साल 2019 में सोनिया गांधी को 5,34,000 वोट मिले थे और बीजेपी के दिनेश सिंह को 3,67,000, जीत का अंतर करीब 1,67,000 का था। यानी गांधी परिवार के गढ़ के हिसाब से देखें तो 2019 की सोनिया गांधी की जीत बहुत बड़ी नहीं थी, इससे बड़ी जीत वो हासिल कर चुकी हैं पहले इसी रायबरेली में। और इस बार ये कांग्रेस के लिए राह और मुश्किल होने के अनुमान है। इसके पीछे चार बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, इस बार बीएसपी का ओबीसी कैंडिडेट उतारना, जिससे उसके 23% कोर वोटर प्लस 34% ओबीसी वोटर का साथ मिल सकता है। दूसरा कारण, कांग्रेस का पिछले दो चुनाव से लगातार 8-8% वोट शेयर कम होना। तीसरा कारण, बीजेपी का पिछले दो चुनाव से 17-17% वोट शेयर गेन करना। और चौथा कारण, इस बार सोनिया गांधी का खुद रायबरेली से चुनाव न लड़ना। और पांचवा कारण यह भी हो सकता है कि इतने देर से कैंडिडेट का ऐलान करना। रायबरेली के साथ जिस सीट पर अब तक बीजेपी का सस्पेंस बना हुआ था वो सीट है कैसरगंज। कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट आखिरकार बीजेपी ने काट दिया। महिला पहलवानों वाला विवाद ब्रजभूषण को भारी पड़ गया। हालांकि ब्रजभूषण के लिए राहत की बात यह रही कि कैसरगंज का टिकट ब्रजभूषण के परिवार के बाहर नहीं गया। कैसरगंज सीट से बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे को टिकट दे दिया। करण भूषण सिंह सिर्फ 34 साल के हैं। इसी साल फरवरी में यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। करण के पास वकालत की डिग्री है, ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी कर चुके हैं। यह करण भूषण का पहला चुनाव होगा और वो कल कैसरगंज से नामांकन दाखिल कर देंगे। कैसरगंज सीट पर 20 मई को वोटिंग है। करण भूषण सिंह का टिकट कंफर्म होने पर वो अपने पिता ब्रजभूषण के पास गए, उनके पैर छुए और वहां पर करण भूषण के नारे लग रहे थे। देखिए वहां क्या माहौल था। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी ने इसलिए काटा क्योंकि वो लंबे वक्त से विवादों में घिरे और पहलवानों के यौन शोषण के केस में फंसे। इसी वजह से कैसरगंज सीट पर बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देने का फैसला नहीं कर रही थी और इस सीट पर लंबे वक्त से सस्पेंस चल रहा। यूपी में इस बार बीजेपी ने 80 की 80 सीटें जीतने का बड़ा टारगेट रखा है, इसलिए बीजेपी ने एक एक सीट पर बहुत गुणा गणित करके टिकट दिया। इसी सावधानी की वजह से कैसरगंज सीट पर बीजेपी ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। पहले दो चरण के चुनाव होने तक बीजेपी ने इंतजार किया, क्योंकि माना जाता है कि सिर्फ कैसरगंज ही नहीं आसपास की भी कुछ सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव। हालांकि ग्राउंड पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी पर खूब दबाव बनाया। वो यही माहौल बना रहे थे कि टिकट तो उन्हीं को मिलेगा, उनकी उम्मीदवारी मजबूत है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार 3 बार से कैसरगंज सीट से सांसद रह चुके हैं। साल 2009 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने, फिर समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ गए। साल 2014 और साल 2019 में वो बीजेपी के टिकट पर कैसरगंज से चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके ऊपर लगे आरोपों को देखते हुए उनका टिकट काट दिया। अब ब्रजभूषण कह रहे हैं कि वो पार्टी के फैसले से खुश है।
सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो भी। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और पार्टी को धन्यवाद है। अब ये तो क्षेत्र में निकलेंगे तब देखेंगे, अभी 4-5 दिन से क्षेत्र में निकले नहीं है। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और पार्टी को धन्यवाद है। अब ये तो क्षेत्र में निकलेंगे तब देखेंगे, अभी 4-5 दिन से क्षेत्र में निकले नहीं है। हालांकि बृजभूषण लगातार अपने दबदबे की धौंस दिखा रहे थे, यहां तक कह रहे थे कि उनका टिकट काटने वाला कौन है। उनका पुराना बयान सुनिए। आपको टिकट मिला है, कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। बृजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं उसमें। काटोगे बृजभूषण जी? काट लेना। तो कुछ दिन पहले तक ये रंगत थी कि कौन काटेगा मेरा टिकट। अब टिकट कट भी गया तो कह रहे हैं कि पार्टी को धन्यवाद। वैसे टिकट बृजभूषण को मिले या उनके बेटे को, बात एक ही है। बृजभूषण के परिवार के बाहर टिकट इसलिए नहीं गया क्योंकि बृजभूषण का सिर्फ अपनी सीट पर नहीं बल्कि कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव। इनमें गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, फैजाबाद, बाराबंकी शामिल। बीजेपी का जिस तरह से 80 में से 80 सीटों का टारगेट है, उसमें वो यूपी के किसी भी इलाके में ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना चाहती जिससे उसके टारगेट पर कोई इंपैक्ट पड़े। बीजेपी ने यूपी में अपनी सारी सीटें क्लियर कर दी, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह का कंफ्यूजन अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर चल रहा है वो गजब है भाई। कल नामांकन का आखिरी दिन है और अब तक कांग्रेस ने क्लियर ही नहीं किया है कि अमेठी और रायबरेली में कैंडिडेट कौन है। अमेठी में कांग्रेस के जो भी करता धरता है वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नामांकन की अमेठी में तैयारी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। पहले लग रहा था हो सकता है ये भी सोच रहे हो कि बीजेपी बोले तब हम रायबरेली में कैंडिडेट उतारेंगे। अब तो बीजेपी ने बोल भी दिया, दोपहर में ही बोल दिया, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट का अब तक नाम नहीं आया। सुनिए अमेठी में कांग्रेस के नेता को, फिर बताऊंगा कि अमित शाह ने अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस के कंफ्यूजन को लेकर क्या कहा है। राहुल गांधी जी नामांकन करेंगे, कल राहुल गांधी जी नामांकन करेंगे और भारी संख्या में लोग रहेंगे। अमेठी के जनमानस के लिए बड़ी बात है कि उनके नेता आ गए हैं और वो नामांकन कल करेंगे। नामांकन की बड़ी तैयारी हो गई है। नामांकन में हो सकता है पूरा परिवार है, क्योंकि हमेशा ज्यादातर परिवार के साथ ही आते जाते रहते हैं। नामांकन कर पत्र खरीदने की बात सामने आ रही है ऑनलाइन? अब ऑनलाइन की बात नहीं बता सकते, लेकिन कल पर्चा दाखिला राहुल गांधी जी करेंगे। कितने बजे होगा? दोपहर में करेंगे। अब आप सोचिए कितनी अजीब सी स्थिति है कि गांधी परिवार का जिसे गढ़ कहा जाता है रायबरेली और अमेठी, वहां गांधी परिवार के लोग अगर लड़ने वाले हैं तो बताने में क्या जा रहा है बॉस? कार्यकर्ता का तो और मनोबल ही ना बढ़ेगा अगर आप पहले ही बता दीजिएगा कि हम लड़ रहे हैं। इतना सस्पेंस किस बात का? यहां अलग ही मैसेज जा रहा है कि कार्यकर्ता हाथ जोड़ रहा है कि आइए तो राहुल बाबा, आइए तो आप लड़िए। तो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी आए तो लड़े, तो राहुल जी हैं कि आने को ही तैयार नहीं है, घोषणा ही नहीं हो रही है नाम की। पता नहीं क्या अंदर मामला फंसा हुआ है। यही सब देख के फिर नरेंद्र मोदी इनको शहजादा बोलने लगते हैं। अंदर क्या मामला फंसा है अभी हमारी सहयोगी रंजिता के पास चलेंगे तो थोड़ा और पता चलेगा, लेकिन अमेठी में किस तरह से तैयारी हो रही है वो भी देखिए। वहां कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव की भी तस्वीर लगी है। कांग्रेस दफ्तर में हाईटेक रथ भी तैयार किया गया है, उसे फूलों से सजाया जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर में टेंट लगाए जा रहे हैं। संवाददाता हमारी रंजीता झा इस वक्त अमेठी में मौजूद है, चलते हैं उनके पास। रंजीता, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, इतना सस्पेंस क्यों? कल नामांकन है, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, और वहां ग्राउंड पर क्या चल रहा है आप ही बताइए भाई, आप तो अंदर की बहुत खबरें लाती हैं। सुशांत, देखिए कांग्रेस पार्टी की यही दुविधा है। कार्यकर्ता कह रहा है राहुल गांधी आते क्यों नहीं, और राहुल गांधी का नाम कांग्रेस पार्टी लिस्ट से जारी करती क्यों नहीं। यही सवाल के बीच में अमेठी से दिल्ली तक मचा हुआ है, लेकिन अमेठी की जनता बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि उनका मोरल हाई है। वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीदवारी की घोषणा का इंतजार नहीं है, हमने अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है। राहुल गांधी आएंगे और अमेठी का बेटा है और राहुल गांधी को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, जनता चुनाव लड़ेगी। लेकिन चुनौती राहुल गांधी के सामने वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से बाहर भगाया था। इस बार फिर नामांकन अगर करते हैं तो 5वीं बार राहुल गांधी यहां से अमेठी से नामांकन करेंगे। लेकिन आधिकारिक घोषणा जिस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस पार्टी की कोई स्ट्रेटेजी है या फिर अभी भी कोई सस्पेंस बचा है, कोई कंफ्यूजन बचा है, यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी
जो है वो घोषणा नहीं कर रही है। ना सिर्फ अमेठी बल्कि रायबरेली पर भी कुछ ऐसी स्थिति है। ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अपना गुजरात का दौरा रद्द कर चुके हैं, लेकिन जो नेताओं से हमारी बात हुई, राहुल गांधी का कोई गुजरात का दौरा नहीं था, चुनावी कोई सभा नहीं थी। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भले ही वहां कार्यक्रम था, प्रियंका गांधी का एक कार्यक्रम रद्द हुआ है और एक कार्यक्रम में वो जा रही है। तो बताया ये जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी कल अमेठी में मौजूद रहेंगी, लेकिन ये तमाम जो खबरें आ रही है वो छनकर आ रही है, सूत्रों के मुताबिक आ रही है। अभी तक रंजीता वहां जो ये कांग्रेस का दफ्तर है, वहां पोस्टर वोस्टर लगने शुरू हो गए हैं, कांग्रेस मीट के रिपोर्टर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल पोस्टर लगने लगे हैं, टेंट वाला आ चुका है, गद्दे वाला आ चुका है। वो बार बार पूछ रहा था वहां के नेताओं से, जिला अध्यक्षों से, कि आखिर इसको रखा कहां जाए, राहुल गांधी कब तक आएंगे। तो सवाल उनके मन में भी है, लेकिन जब कैमरा खुलता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं सवाल नहीं है, राहुल गांधी तो आ रहे हैं, हमारे नेता हैं, हमारे भाई हैं। ये वैसा है रंजीता कि पूरा टेंट लग गया, खाने का मेन्यू जो है वो लग गया, सारे सब कुछ हो गया, बारात आ चुकी है, घोड़ी आ चुकी है, लेकिन दूल्हा कौन है ये अभी पता ही नहीं है, और सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं कि फलाना होगा और दूसरा होगा या वही होगा या कौन होगा। अब देखते हैं कल इस बारात में कौन नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीता, आप अमेठी में हैं, वहां से आपसे रिपोर्ट लेते रहेंगे। अमेठी में वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वहां से लड़ना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के लिए कोई अहमियत नहीं रखते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले ही फैसला करके बता दिया जाता कि तुम लोग काहे परेशान हो रहे, मैं लड़ूंगा ना अमेठी। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस के लोग बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी से चुनाव लड़ने के लिए कोई आए तो, ये लोग अपने ही लोगों को अनसुना कर रहे हैं। अमेठी और रायबरेली में अपने गढ़ में गांधी परिवार का इस तरह से चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बनाए रखना, बीजेपी कांग्रेस के लो कॉन्फिडेंस के तौर पर इसे देख रही है। सुनिए इस पर अमित शाह क्या कह रहे हैं। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं, मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। अब आप सोचिए, ये हालत हो गई है कि रायबरेली अमेठी में कांग्रेस कैंडिडेट नहीं उतार पाए। कांग्रेस भले ही अमेठी रायबरेली में नाम न तय कर पा रही है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है कि वो विपक्ष को एक भी सीट पर चयन नहीं लेने दे, चाहे वो मुलायम परिवार की पारंपरिक सीट ही क्यों ना हो। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि मैनपुरी में योगी ने ऐसा गर्दा उड़ाया कि अखिलेश के चेहरे का रंग उड़ गया। आज योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में जबरदस्त रोड शो किया। सीएम योगी का रोड शो जब मैनपुरी की सड़कों पर निकला तो ऐसा लगा मानो पूरी मैनपुरी योगी आदित्यनाथ के लिए सड़कों पर उतर आई। योगी के रोड शो में उमड़े जनसैलाब ने समाजवादी पार्टी के लिए सबसे सेफ सीट माने जाने वाली मैनपुरी का सियासी समीकरण भी हिलाकर रख दिया। खुद सीएम योगी ने भी रोड शो में उमड़ी भीड़ को मैनपुरी में परिवर्तन का संकेत बताया। आप भीड़ देखिए बॉस, ये मैनपुरी है। अखिलेश यादव के परिवार का गढ़, और वहां सीएम योगी के इस रैली में भीड़ देखिए, जन सैलाब दिख रहा है। पहले सुनिए सीएम योगी ने रोड शो में उमड़े जन सैलाब पर क्या कहा है, फिर दिखाऊंगा मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ को किस तरह बुलडोजर की सलामी दी गई। देश के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश के अंदर आज जो माहौल है, उस माहौल को ध्यान में रखते हुए मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। आपके उत्साह के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैनपुरी से योगी आदित्यनाथ का रोड शो और उसकी जो तस्वीरें आई वो समाजवादी पार्टी के होश उड़ाने वाली, अखिलेश को डराने वाली और डिंपल यादव को हार की टेंशन देने वाली। सीएम योगी का रोड शो शुरू होने से पहले मैनपुरी में बुलडोजर शो की झलक भी दिखाई थी। सीएम योगी का स्वागत करने के लिए बीजेपी समर्थक बुलडोजर का काफिला लेकर मैनपुरी की सड़कों पर निकले, और फिर जब योगी आदित्यनाथ का रोड शो निकला तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर खड़े होकर सीएम योगी पर फूल बरसाए। रोड शो के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।
सीएम योगी को सुनिए, फिर मैनपुरी लोकसभा सीट का पूरा सियासी गणित भी बताऊंगा कि कैसे ये जो जन सैलाब है क्या संकेत दे रहा है। इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम पुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है करेंगे। कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। वैसे तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट, यहां मुलायम परिवार का ही दबदबा रहा है। 2019 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीते थे। मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले। मुलायम सिंह के निधन के बाद 2022 में मैनपुरी में उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उपचुनाव में टिकट दिया। उपचुनाव में डिंपल यादव जीती और डिंपल यादव को 6,18,120 वोट मिले, जबकि बीजेपी के रघुराज सिंह शाके को 3,29,659 वोट मिले थे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सिंपथी वेव में डिंपल यादव जीत गए, लेकिन इस बार मैनपुरी में राह आसान नहीं है, क्योंकि डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने जयवीर सिंह को उतारा। जयवीर सिंह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में जयवीर सिंह ने मैनपुरी सदर सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराया। इसके बाद से ही मुलायम सिंह का गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी में जयवीर सिंह का सियासी कद भी बढ़ गया। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी की तरफ से मैनपुरी में शिव प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी का वोट काटेंगे। मैनपुरी में मायावती ने भी यादव कैंडिडेट उतारकर कैसे अखिलेश की परेशानी बढ़ाई, वो आप मैनपुरी के जातिगत समीकरण से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप मैनपुरी को देखेंगे, रायबरेली का आपने मामला देख लिया, अब जरा मैनपुरी को देखिए, जो अखिलेश यादव के परिवार का गढ़ है, यहां यादव वोट, यादव वोटर यहां पर करीब करीब 3.5 लाख है, 3.5 लाख, और ठाकुर वोटर जो हैं, वो हैं 1.5 लाख। इसी तरह से अगर आप शाक्य देखेंगे, ये हैं 1,60,000, और अगर आप जाटव देखेंगे तो ये हैं 1,40,000 वोट। ब्राह्मण जो हैं वो यहां पर वो हैं 1,20,000, और अगर आप देखेंगे लोधी 1,00,000, और मुसलमान जो हैं मुस्लिम वो है 1,00,000। ये है पूरा मैनपुरी का जातिगत समीकरण। अब इसमें अगर यादव वोट, ये जो वोट है यादव वोटर 3.5 लाख, अगर बीएसपी ने इसमें सेंध लगा दी और बीएसपी का कोर जाटव वोटर उसके साथ पूरी तरह से खड़ा हो गया, तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और तस्वीरें तो अपने आप में बता रही है कि भैया इतना आसान मुकाबला रहने वाला नहीं है। बीजेपी भी अच्छी तरह समझती है मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव का अच्छा प्रभाव रहा, इसलिए सीएम योगी ने भी मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए मैनपुरी की जनता को बड़ा संदेश दिया। सुनिए मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कैसे समाजवादी पार्टी को घेरा, फिर बताता हूं कि सीएम योगी के रोड शो में उमड़ी भीड़ देखकर मैनपुरी से बीजेपी कैंडिडेट जयवीर सिंह कैसे गदगद हो। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने पर मैं स्वयं उनके गांव गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोकनायकों को अपमानित करने का कार्य करती है, यह किसी से छुपावा नहीं है। योगी आदित्यनाथ को लेकर मैनपुरी की जनता के बीच जो क्रेज दिखाई दिया, जिस तरह रोड शो के दौरान योगी के समर्थन में नारे लगे, उसे मैनपुरी से बीजेपी कैंडिडेट जयवीर सिंह ने मैनपुरी सीट पर अपनी जीत की गारंटी बता दी। जयवीर सिंह को सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी चुनाव में क्यों मुलायम सिंह यादव की याद आ रही। आज आप जन सैलाब देख रहे होंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज आए थे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का रोड शो था जिला मुख्यालय में, पूरा जिला
जाम, पूरा शहर जाम, जन सैलाब, अभूतपूर्व उत्साह, जोश, उमंग ये सिद्ध कर रही है। इस बार निश्चित रूप से पूरे लोकसभा की जनता ने कमल को खिलाने का मन बना लिया है, भगवा लहराने का मन बना लिया है, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की ताकत देने का मन बना लिया है। लेकिन इसे तो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव गढ़ है, आपने खुद भी मुलायम सिंह काम किया है, तो ये गढ़ इस बार क्या ये किला ढहेगा? आदरणीय मुलायम सिंह का जमाना मुलायम सिंह के साथ चला गया, अब ये अखिलेश वाली सभा बची है, सिर्फ परिवार तक सिमट गई है। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ यूपी के जिस इलाके में जोर लगा रहे हैं उस इलाके में 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग होगी और इनमें से कई सीटें यादव बेल्ट के तौर पर जानी जाती हैं। कई सीटें यादव मुस्लिम के मजबूत समीकरण वाली, जिन सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होनी है उनमें मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, बदायूं है, एटा है, संभल है, इसके अलावा हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, आंवला और बरेली की सीट। इन 10 सीटों में 3 सीटों पर मुलायम परिवार के खुद के लोग खड़े हैं, जिनमें फिरोजाबाद, बदायूं और मैनपुरी की सीट है। योगी आदित्यनाथ इस इलाके में आज मैनपुरी के अलावा फिरोजाबाद और एटा भी गए। एटा में उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को वोट देना पाप करने जैसा है। सुनिए एक बार। उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या पे प्रतिबंध है, क्या आप कांग्रेस और सपा की साजिश में आएंगे? क्या गौ हत्या करने देंगे? क्या गौ कसी करने देंगे? क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और सपा को दिया जाने वाला कोई भी वोट महापाप का कारण बनेगा और हम पाप नहीं होने देंगे, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। तीसरे चरण के इस प्रचार में एक हॉट सीट बदायूं की भी, जहां से पहले अखिलेश के चाचा शिवपाल चुनाव लड़ रहे थे लेकिन बाद में शिवपाल ने अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया। बीजेपी जिस तरह से इस इलाके में जोरदार प्रचार कर रही है उससे समाजवादी पार्टी की बेचैनी बढ़ी। शिवपाल यादव बदायूं में अपने बेटे को जिताने के लिए जोर लगा रहे हैं और इसलिए उन्हें बीच चुनाव में मुलायम सिंह यादव याद आने लगे। आप सब लोग जानते हैं नेताजी यहां से मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार सांसद भी रहे और नेताजी का जब यहां से हेलीकॉप्टर निकलता था तो यहां की जो भी महिलाएं हैं अपना पर्दा डाल लेती थी कि दद्दा जा रहे, और यहां के जो लोग आदमी लोग सर झुका लेते थे और हाथ जोड़ लेते थे, आपको याद होगा। और हम नेताजी सबके बीच में नहीं हैं, अगर होते तो चुनौतियां हवा में उड़ जाती, भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां हवा में उड़ जाती। अब आप सब लोगों को अखिलेश में नेताजी को देखना होगा। यानी शिवपाल जी भी मान रहे हैं कि चुनौतियां हैं और कह रहे हैं कि अगर मुलायम सिंह होते तो चुनौतियां हवा में उड़ जाती, यानी नहीं है तो चुनौतियां हवा में नहीं उड़ रही। उन्हें लोगों से बोलना पड़ रहा है कि अखिलेश जी में नेताजी को देखिए, यानी लोग नहीं देख रहे क्या? बदायूं सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की टेंशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछले चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। 2019 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट संगमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हराया। बीजेपी के संगमित्रा मौर्य को करीब 5,11,000 वोट मिले जबकि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 4,93,000। बदायूं सीट पर पिछली बार भी अखिलेश परिवार हारा था और इस बार भी बड़ी चुनौती है, इसलिए परिवार के लोगों की सीट को लेकर अखिलेश ज्यादा जोर लगा रहे हैं। अखिलेश भी आज बदायूं सीट पर प्रचार करने गए थे लेकिन वहां पर कैसे पुलिस वालों पर ही जोर दिखाने लगे, खुद देखिए। एक खाकी वर्दी वाले भी कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं, ये लोग भी समझ लें कि बीजेपी अगर दोबारा सरकार में आ गई तो इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। ये सोचते हैं ये कैसे हो जाएगा, कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं ये कैसे हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूं बताओ आपको पता था कि फौज की 4 साल की नौकरी हो जाएगी? कुछ भी बोलना। इस देश में एक बड़ा सिंपल सा पैटर्न बना लिया गया कि खुद पर कुछ भी सवाल उठे तो नरेंद्र मोदी पर डालकर धीरे से कट लो। काम क्यों नहीं हुआ कोई पूछे तो बोलो पीएम मोदी काम नहीं करने देते। भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो बोल दो कि मोदी तो झूठे आरोप लगा रहे, अपनी एजेंसी हमारे पीछे लगा दी। यानी मोदी के मत्थे पे मर दो और बच लो।
लेकिन कितने दिन बचिएगा बॉस? कभी ना कभी तो चीजें बाहर आती हैं, जैसे अब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के लिए हो रहा है। दोनों के करीबी ही उनको लेकर बड़े बड़े खुलासे करने लगे। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्हें पश्चिम बंगाल में हुए टीचर भर्ती घोटाले के बारे में सब कुछ पहले से पता था, और यह आरोप उनके करीबी लगा रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद चुप रहे। जबकि दिल्ली में गरीबों और दलितों की बात करने वाले केजरीवाल पर उनके करीबी ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की सैलरी रोक के रखी। दोनों की आज बात करूंगा, लेकिन पहले बंगाल की बात, जहां टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में हैरान करने वाले खुलासे किए। ये टीएमसी के नेता खुलासे कर रहे हैं, बीजेपी के नेता नहीं। कुणाल घोष जो टीएमसी के नेता हैं, उनके मुताबिक टीएमसी के बड़े नेताओं को इस बारे में पूरी जानकारी थी कि स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और नौकरियों के बदले जबरन वसूली हो रही। टीएमसी के नेताओं को 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले ही इसकी जानकारी मिल चुकी थी। कुणाल घोष ने यह भी बताया कि टीचर भर्ती के लिए पैसा उस समय के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के नाम पर उठाया जा रहा था। दरअसल 2014 में जब टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तब पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे और 2016 में भर्ती की प्रक्रिया शुरू। जुलाई 2022 में ईडी ने पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापा मारकर 42 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 4.5 करोड़ रुपए का गोल्ड और 60 लाख से ज्यादा की विदेशी करेंसी जब्त की थी। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि पार्टी को इस कांड के बारे में पता ही नहीं था। इस पर कुणाल घोष का कहना है कि यह कैसे संभव है कि पूरे बंगाल में इतनी बड़ी वसूली चल रही थी और टीएमसी के सीनियर नेताओं को इसके बारे में पता ही नहीं था। अब ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कुणाल घोष को टीएमसी के महासचिव पद से हटा दिया। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी कुणाल घोष का नाम नहीं। लेकिन कुणाल घोष जो टीएमसी में बड़े नेता हैं, करीबी हैं, अब वो खुलासे कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ा एक वीडियो भी दिखा देता हूं। ये वीडियो जुलाई का है, जब ईडी ने टीएमसी के मंत्री पार्थ चटर्जी के और उनकी साथी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापे मारे थे। नोटों के बंडल मिले थे। अर्पिता के फ्लैट से नोटों के इतने बंडल निकले थे कि जांच एजेंसियों की आंखें फटी की फटी रह गई। एजेंसियों को छापे के दौरान कुल मिलाकर 47 करोड़ रुपए का कैश और गोल्ड मिला था। ईडी के मुताबिक यह पैसा टीचर भर्ती के नाम पर पूरे बंगाल से वसूला गया। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी से निकाल दिया। लेकिन कुणाल घोष का कहना है कि अगर उसी समय सीएम ममता बनर्जी ने एक्शन लिया होता तो आज 26,000 टीचर्स की नौकरी पर तलवार नहीं लटकती। आप देखिए कि ममता बनर्जी शिक्षक भर्ती कांड के मुख्य आरोपी पार्थ चटर्जी को तब तक बचाती रहीं जब तक ईडी की रेड नहीं पड़ गई। इसी तरह संदेश खाली कांड के आरोपी शाहजहां शेख को भी टीएमसी सरकार बचाने का आरोप झेल रही है, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया तब जाकर शाहजहां शेख को अरेस्ट किया गया। इसके बाद टीएमसी ने उसे पार्टी से निकाल दिया। यानी जब तक कानून का डंडा नहीं चलता तब तक टीएमसी को यह पता ही नहीं चलता जैसे कि उनके नेता क्या क्या कर रहे हैं। और इतना ही नहीं कि पता नहीं चलता या सो कॉल्ड पता नहीं चलता, बल्कि डिफेंड भी करते हैं ये लोग। ममता बनर्जी की तरह ही दिल्ली में सीएम केजरीवाल की भी कई बातें सामने आ गई। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने यह खुलासा किया है कि केजरीवाल ने दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की सैलरी तक रोके रखी। इसके अलावा केजरीवाल ने चुनाव से पहले सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पूरी सैलरी नहीं मिलने की वजह से कई सफाई कर्मचारियों ने आत्महत्या तक कर ली। लेकिन केजरीवाल साहब का दिल नहीं पिघला। आप देखिए कि केजरीवाल अपने आप को बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी बताते हैं, पीछे फोटो लगाते हैं, दफ्तर में भगत सिंह जी की तस्वीर लगाते हैं। ये दोनों ही महापुरुष समाज में गरीब और दलितों के हक की बात करते थे, लेकिन केजरीवाल पर तो दिल्ली के गरीब और दलित सफाई कर्मचारियों का हक मारने का गंभीर आरोप उनके ही करीबी रहे लोग लगा रहे। उनकी सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण के अलावा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मामलों के मंत्री रह चुके। उन्होंने दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को लेकर सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। राजकुमार आनंद के मुताबिक केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में कर्मचारियों की जानबूझकर परमानेंट की बजाय एडहॉक, टेम्पररी और ठेके पर अपॉइंटमेंट किए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि रिजर्वेशन के नियमों का पालन न करना पड़े। दरअसल एडहॉक, टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। राजकुमार का दूसरा आरोप है कि आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में किए गए वादे के बावजूद केजरीवाल ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे सफाई कर्मियों को परमानेंट नहीं किया। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को सैलरी की बकाया राशि भी नहीं दी गई।
इन सफाई कर्मचारियों में ज्यादातर कर्मचारी दलित समाज से आते हैं। राजकुमार आनंद ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांगों के लिए बनाए गए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से कर्मचारियों को 8 महीने से सैलरी नहीं मिली और 2 लोगों ने तो आत्महत्या तक कर ली। पीछे बाबा साहब की फोटो और आपके लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के साथ ये अन्याय। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल सरकार के पास पैसे की कोई कमी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लेबर वेलफेयर फंड में 4,271 करोड़ रुपए हैं, लेकिन इसमें से केवल 8,72,00,000 रुपए का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा 2021-22 में कुल 458 करोड़ रुपए फर्जी लाभार्थियों पर खर्च किए गए, लेकिन जैसे ही यह घोटाला पब्लिक हुआ वैसे ही लेबर वेलफेयर फंड का खर्च ना के बराबर हो गया। राजकुमार का आरोप है कि पिछले 9 साल में दलित वेलफेयर फंड का पैसा दूसरे काम में डाइवर्ट किया गया और बहुत सा पैसा खर्च तक नहीं हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए। एक तरफ तो केजरीवाल के करीबी लोग उनकी पोल खोल रहे हैं और यह सब चुनाव के बीच हो रहा है, वो भी तब जब केजरीवाल जेल में है। अब आम आदमी पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाल ली। आज सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से पहली बार बाहर निकल गई। गुजरात के भावनगर में उन्होंने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी उमेश भाई मकवाना के लिए रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने आशंका जता दी कि अरविंद केजरीवाल 10 साल तक जेल में रह सकते हैं। अपने पूरे भाषण में उन्होंने वही शब्द दोहराए जो अरविंद केजरीवाल कहते आए, खुद को ईमानदार और देशभक्त बताया, जबकि सरकार के लिए तानाशाही गुंडागर्दी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए जरा एक बार। पता नहीं सुनीता केजरीवाल जी कौन से नए सिस्टम की बात कर रही हैं कि जिसमें जब तक जांच चलेगी तब तक जेल में रखेंगे। फिर संजय सिंह कैसे बाहर आ गए और बेल के लिए तो ये लोग बार बार अप्लाई कर रहे हैं। जेल में नरेंद्र मोदी ने थोड़ी रखा है, अदालत बेल नहीं दे रही। वहीं बंगाल में तो हालत यह हो गई कि टीएमसी नेता अब खुलेआम धमकी देने पर उतारू हो गए। मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने लोगों को याद दिलाया कि यहां 30% हिंदू हैं जबकि मुसलमान 70% हैं। अगर मस्जिद तोड़ी तो हिंदुओं को 2 घंटे में नदी में बहा देंगे। हुमायूं कबीर को टीएमसी के तेज तर्रार विधायकों में शुमार किया जाता है। उन्हें ममता बनर्जी का करीबी भी माना जाता है। वो भरतपुर सीट से विधायक हैं जो कि मुर्शिदाबाद में ही आती है। हुमायूं कबीर यहां टीएमसी उम्मीदवार अबू ताहिर खान के लिए एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे वो कितनी भी चाल चले, अगर 2 घंटे में भागीरथी गंगा में ना बहा दिया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। याद रखो तुम मुर्शिदाबाद में 30% हो और हम 70%। बीजेपी को मैं सावधान कर रहा हूं, अगर काजीपारा इलाके में मस्जिद तोड़ते हो तो मत भूलो मुसलमान भाई हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा, ये कभी नहीं होगा। बीजेपी को मैं होशियार रहने के लिए कह रहा हूं। सोचिए आप, इस तरह की चीजें चल रही हैं, खुलेआम धमकी दी जा रही है कि तुम 30% हम 70%। इस पर हंगामा नहीं होगा, 80-20 पे हंगामा हो जाता है, 70-30 पे नहीं होता। यह हाल हो गया इस देश में फिलहाल। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की हॉट सीट कैसरगंज से। बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी कैसरगंज लोकसभा सीट से कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से भगत राम मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। भगत राम मिश्रा कल यानी 3 मई को नॉमिनेशन भरेंगे। श्रावस्ती से पूर्व बीजेपी सांसद ददन मिश्रा के ये बड़े भाई हैं भगत राम मिश्रा, और ये लगभग 2,500 बीघा जमीन के मालिक हैं, साथ ही पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इधर आज ही बीजेपी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। यानी कैसरगंज पर अब मुकाबला किनके बीच है ये साफ हो गया है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का नाम का ऐलान हो गया। बीजेपी ने करण भूषण सिंह को टिकट दिया और समाजवादी पार्टी ने भगत राम मिश्रा को टिकट दिया है अब कैसरगंज की सीट से। लेकिन अभी तक जब तक पाठशाला पे हम आपसे
बात कर रहे हैं, रात के 10 बजने के करीब हैं। अभी तक अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, इस नाम का ऐलान नहीं।